भारत दुनिया का सर्वोच्च दूध उत्पादक देश है। 1950 में 17 मिलियन टन से 2018 में 174 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत ने दूध और डेयरी उत्पादों में अपनी शीर्ष स्थिति को लगातार बनाए रखा है। बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य के प्रति जागृति के कारण पैकेज्ड मिल्क की मांग बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज के युवा एंटरप्रेन्योर और किसान मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में निवेश कर रहे हैं। हम हमारा दूध एक संघ को देते थे, पर हमें फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि खुद का ब्रांड बनाएं और मार्केट में दूध बेचें। हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा डेयरी प्लांट देख रहे थे, जो हमें नाइक्रोम से मिला। नाइक्रोम पेश करते हैं बिना बॉयलर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, जहां दूध को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कम से कम इन्वेस्टमेंट और अत्याधुनिक सुविधाएं, जैसे कि कम बिजली की खपत, कम श्रम शक्ति और इजी टू ऑपरेट जैसी विशेषताएं प्रदान करता है। आइए देखते हैं नाइक्रोम मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कैसे काम करता है। कच्चे दूध को मिल्क साइलोस में डाला जाता है। यहाँ दूध फिल्टर होकर दूध की अशुद्धियों को निकालता है। एक बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद दूध को पाश्चराइजेशन के लिए भेजा जाता है। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में दूध को इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से 72.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और इसी बीच जब दूध 65 डिग्री तक गर्म हो जाता है तो उसे होमोजेनाइजर में लाया जाता है। होमोजेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ दूध के अंदर मौजूद फैट्स मॉलिक्यूल्स को छोटे कणों में तोड़ता है, फिर गर्म दूध को उच्च दबाव में वाल्व के माध्यम से पंप किया जाता है, जिसके कारण दूध के फैट्स एक समान और स्थिर हो जाते हैं। ये प्रोसेस फैट सेपरेशन और क्रीम परिवर्तन को भी रोकता है। अब ये दूध फिर से पाश्चराइजर में 72.5 डिग्री तक हीट होकर 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया जाता है, ताकि कच्चे दूध में मौजूद पैथोजेंस और रोगकारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया नष्ट हो सके। और फिर तुरंत बाद गर्म दूध को पीएचई चिलर की मदद से 8 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। अब ये पाश्चराइज्ड और होमोजेनाइज्ड दूध स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। इस दूध का उपयोग लस्सी, दही, घी, खोया, पनीर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के साथ नाइक्रोम की मिल्क पैकेजिंग मशीन सबसे तेज और योग्य है। ये मशीन सटीकता और आसानी के साथ 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर के पाउच पैक कर सकती है। दूध प्रोसेसिंग के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, पर नाइक्रोम ने हमें योग्य मार्गदर्शन करके पूरा डेयरी प्लांट सेटअप करके दिया। नाइक्रोम का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और इसीलिए हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास था। वाकई में उनका मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सबसे अच्छा है। डेयरी उद्योग अर्थात डेयरी इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और खेत मजदूरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और रोजगार प्रदान करती है। इसलिए भारत सरकार ने डेयरी विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। किसान कम ब्याज पर बैंकों से आधुनिक डेयरी फार्म और प्रसंस्करण उपकरण के लिए एग्री लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और बाद में नाबार्ड सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।